फिर गरमाई बंगाल की राजनीति, कोर्ट के आदेश ने दी टेंशन, मुश्किल में आए दीदी के करीबी अफसर। चुनावी माहौल के बीच दिल्ली से लेकर बंगाल में आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। बंगाल में बीजेपी की मौजूदगी से पहले से ही वहां की राजनीति फुल टू गरमाई पड़ी थी कि वहीं अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा ने आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन अब पीएम मोदी को उठक बैठक से लेके जेल भिजवाने की धमकी देने वाली ममता बनर्जी को झटका लगा है, या फिर यूं कहें कि उनके करीबी कहे जाने वाले कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार अब पूरी तरह से नपने वाले हैं। जिन राजीव कुमार के लिए ममता बनर्जी को धरने पर बैठना पड़ा, कड़ाके की ठंड में सिर्फ सूती साड़ी और शॉल ओढ़े पूरी रात बितानी पड़ी, आज उन्हीं राजीव कुमार को देश की सर्वोच्च अदालत ने तगड़ा झटका दिया है। असल में क्या है पूरा माजरा, ये बताने से पहले हम आपको सुनाते हैं 3 महीने पहले ममता बनर्जी का वो बयान जिसमें वो अपनी नैतिक जीत का जहां दावा कर रही है तो वहीं मोदी सरकार पर हमला भी बोल रही है। इट्स अ मॉरल विक्ट्री, व्हाई इट्स अ विक्ट्री, वी सेड वी हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशियरी एंड द मीडिया एंड द ऑल द इंस्टीट्यूशन। नंबर वन, this order was passed earlier also that they can talk mutually in a mutual place, they can cooperate each other. Same today also the same thing, same verdict, we are grateful to that. Number two, yes, Rajiv Kumar never said that I will not be available. He said letters, he has given 5 letters. He said we want to meet a mutual place. If you want to ask any clarification, you can come, we can sit there. But what they have started doing, they wanted to arrest him. They went to his house with secret operation Sunday without any notice. That court said no coercion effect, no arrest. We are so grateful. We are so obliged. ये वो मंजर है जब 3 महीने पहले बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा चला, वो भी एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक। शारदा चिटफंड घोटाले में जैसे ही सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ के चलते उनके आवास पहुंची, उनसे कॉर्पोरेट करने के बजाय उल्टा कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, अधिकारियों में हाथापाई हुई, कहीं कोई पोल न खुल जाए बचाव के लिए दीदी को तक धरने पर बैठना पड़ा। इन तमाम चीजों के पीछे दीदी ने जहां बीजेपी की साजिश बताई तो वहीं बीजेपी ने भी इसे दीदी की दीदीगिरी बताई। वो अपने आप में भारतीय राजनीति में इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि 2 दिन से चल रहा ममता जी का ये बनावटी प्रोटेस्ट संरक्षण है गरीबों के लुटेरों के लिए। दीदी का धरने पर बैठना गया बेकार, ममता के चहेते को लगी फटकार, सीबीआई गिरफ्त में आएंगे राजीव कुमार। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हालात बिल्कुल उलट हैं। 1 हफ्ते बाद किसी भी वक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी हो सकती है, पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें अपने गिरफ्त में ले सकती है। असल में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है, तो वही अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख करने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। अब अगर इन 7 दिनों में राजीव कुमार को हाई कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो फिर उनके पास सीबीआई से बचने का कोई और रास्ता नहीं बचेगा।